गैस का दाम जो है 1200 रुपए से ऊपर चला गया, कहां से गरीब के घर में चूल्हा जलेगा भाई। तभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था। हम लोग पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो उसका क्या वादा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकार की नौकरी देगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहरसा में 3 दिवसीय पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव में उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, जहां से उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बात कही, जहां से उन्होंने लाखों पदक पर नियुक्तियों की बात कही, जहां से उन्होंने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने की बात कही बिहार में, वहीं उन्होंने हर जिले में मॉडल स्कूल खोलने की बात कही। आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। मिलने जा रहा है लाखों में नौकरियां, कैपिटल में खत्म निकाला जा रहा है, ये सारा काम हम लोग करें। और हम लोग जान रहे कितना महंगाई हो गया, आप बताइए गैस का दाम जो है 1200 रुपए से ऊपर चला गया, कहां से गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, ये सारा समस्या। पेट्रोल डीजल हर चीज का दाम बढ़ गया, हर सामग्री का जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हर एक चीजों का जो है दाम बढ़ेगा। तो आज हम लोगों का प्रयास है, हम लोग तो यही कोशिश करते रहे। इससे पहले यहाँ डबल इंजन की सरकार थी भाई, तभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था। हम लोग पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार जैसे प्रदेशों को, केवल बिहार नहीं और भी जो गरीब आदमी है उसको विशेष सहायता मिलनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, ताकि ये कोसी सीमांचल का इलाका जो गरीब इलाका है इसमें हम लोग तेजी से जो है विकास कर सकें, गरीबी से हम लोग लड़ सके, लोगों को आर्थिक न्याय दिला सके, ये हम लोगों की कोशिश है। लेकिन अब कितना बोलने के बाद भी सहयोग नहीं मिल पाता, ये अफसोस की बात है कि खुद घोषणा किया हुआ वादों पर कुछ लोग जो है उतरते नहीं है, और हम लोगों का जो कमिटमेंट है उस पे आते ही सीधे एक्शन में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो भविष्य को देखते हुए हम पूरी तैयारी करें, ये नहीं कि घर बन गया अब बाद में नाला का रोड का बिजली का निर्माण होगा, नहीं, हम पहले से ही रोड लाइन बिजली पाइप ड्रेनेज की व्यवस्था पहले कराएं, फ्यूचर को देखते हुए तब जाकर के सारा डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल हब अलग बनाना पड़ेगा, आप इंस्टीट्यूशनल हब अलग करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल अलग कमर्शियल अलग, इन सारे काम को व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों ने बदलाव देखा होगा, 3 महीने की सरकार की नहीं हुई है, जो हम लोगों का क्या वादा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकार की नौकरी देने का काम करेगा। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि गांधी मैदान 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख तो देंगे ही देंगे, और अलग से 10 लाख रोजगार की व्यवस्था यानी देश का जो है व्यवस्था हम लोग कराने का काम करेंगे। आज सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी, आज पढ़ लिख करके लड़का इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के मेडिकल का डिग्री लेकर के आज उसको नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगा। तो आप देखते होंगे कि 2 महीना के भीतर हम लोगों ने तय किया कि जितने भी विभाग है बिहार सरकार ने, जैसा कि हमने सुना तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, वो बिहार में मॉडल स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो आज के युवा की जरूरत बन चुकी है वो रोजगार है, और वो रोजगार पर लगातार बात कर रहे हैं और लगातार रोजगार दे भी रहे हैं, जो बिहार की तस्वीर है उसको लगातार बदलने के काम को कर रहे हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे थे DNA न्यूज। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज